आज जो हमने प्रैक्टिकल करना है वो है हेयरिंग टेस्ट वाला प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू ट्रेस द पाथवे ऑफ हेयरिंग। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिव डेफनेस एंड परसेप्टिव डेफनेस, एंड यू कैन असेस द हेयरिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एंड यू शुड नो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ हेयरिंग टेस्ट, एंड यू शुड ऑल्सो नो द प्रिंसिपल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग टेस्ट। सबसे पहले हम साउंड कंडक्शन देखते हैं या पाथवे ऑफ हेयरिंग देखते हैं। दो तरह से कंडक्शन होती है, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। एयर कंडक्शन में क्या होता है, साउंड वेव्स एयर में, साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर, देन दे रीच द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस, ठीक है, देन टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, देन टू द मिडिल ईयर ऑसिकल्स, एंड देन फाइनली द इनर ईयर कॉक्लिया, दैट इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जहाँ से हमें साउंड पहुँचती है। उसके बाद बोन कंडक्शन डिफरेंट होती है हमारे पास। इसमें डायरेक्टली जब हम बोन्स को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क से, वाइब्रेशन ऑफ द स्कल बोन्स होती है, ये वाइब्रेशन जब हम एस्ट्रॉइड प्रोसेस रखते हैं उधर वाइब्रेशन होती है, वो रीच करती है डायरेक्टली, वाइब्रेशन रीच करती है इनर ईयर कॉक्लिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एयर कंडक्शन एंड द बोन कंडक्शन। सी, यू कैन सी हियर कि जब हम एयर ट्यूनिंग फोर्क अपने एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस के सामने रखते हैं यहाँ से, ठीक है, तो एयर कंडक्शन इस तरह हो रही है थ्रू एयर, और बोन कंडक्शन ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो पीछे इधर उन्होंने ट्यूनिंग फोर्क रखा हुआ है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखा हुआ है जो कान के पीछे होता है, ठीक है, उधर से ये बोन कंडक्शन हो रही है डायरेक्टली। सो दिस इज अ डिफरेंस। उसके बाद आप पढ़ लेंगे, जो आपने पढ़ा होगा थ्योरी में भी, टाइप्स ऑफ डेफनेस कितनी होती है। एक सेंसिनियल हियरिंग लॉस होती है जिसमें डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉक्लिया और द ऑडिटरी नर्व होती है, ठीक है, तो पर्सन कंप्लीटली परमानेंटली डेफ होता है, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या हो रहा है कि कोई भी डिजीज प्रोसेस जो कंडक्शन में इंटरफेयर कर रहा होता है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द स्टेपीडियो वेस्टिबुलर जॉइंट, कोई भी हमारे पास डिजीज प्रोसेस या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, वो बाहर एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है, मिडिल ईयर में फ्लूइड हो सकता है, या ऑसिकल्स की डिस्ट्रप्शन फिक्सेशन कुछ हो सकता है, या फिर यूस्टेशियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एनी ऑफ दीज फैक्टर्स कैन लीड टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। देन वी हैव द मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इसमें दोनों हियरिंग लॉस होती है, कंडक्टिव भी होती है और सेंसिनियल भी होती है, मिक्स्ड होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इन सम केसेस ऑटोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें हमारे पास मिक्स्ड हियरिंग लॉस आती है। देन देयर आर फ्यूअर कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस, इधर दिखाया हुआ उन्होंने सेंसिनियल हियरिंग लॉस किस किस रीजन से हो सकती है, एजिंग, ऑटोटॉक्सिसिटी, लाउड नॉइज, ट्यूमर्स, ब्लास्ट, और इधर पे कंडक्टिव किस किस रीजन की वजह से हो सकती है, अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, कोई भी फ्लूइड हो, एलर्जीज हो, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही हो, और मिक्स्ड की ये कॉजेज हैं, जेनेटिक डिजीज, वायरस, हेड ट्रॉमा, एनीथिंग। देन आर द डिफरेंट हियरिंग टेस्ट। अभी आप हर एक टेस्ट की हमने परफॉर्मेंस वाली वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। देन आर द डिफरेंट हियरिंग टेस्ट। अभी आप हर एक टेस्ट की हमने परफॉर्मेंस वाली वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले वॉइस टेस्ट, विस्पर टेस्ट है, एंड देन इज द वॉच टेस्ट। देन आते हैं ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअली भी आपसे परफॉर्म करवा सकते हैं, एक स्टेशन पे सारे टेस्ट भी आ सकते हैं, तो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, सही है। रेनीज टेस्ट है, वेबर्स टेस्ट है, शॉबैक्स है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, और ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड शॉबैक टेस्ट, ठीक है। ऑडियोमेट्री भी है, ब्रेन स्टेम ऑडियोमेट्री, इवोक्ड पोटेंशियल, दैट्स BAEP, लेकिन ये दोनों टेस्ट हम लैब में परफॉर्म नहीं करते, ये सारे हम लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल, वी नीड अ सब्जेक्ट, अ ट्यूनिंग फोर्क जैसे मैंने दिखाया था 512 या 256 हर्ट्ज का होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप वॉच चाहिए, मेजरिंग स्केल, रबर पैड एंड ईयर प्लग्स और कॉटन, और एक लिसनिंग ईयर भी चाहिए होगा। Now are the requirements of the practical? Practical hearing test वाले practical के लिए जो requirements हैं, हमें stop watch चाहिए, cotton plug चाहिए होगा कि जो non-testing ear है वो हमने close करना होता है कुछ test में, और किसी test में हमने testing ear भी close करना होता है, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। उसके बाद हमें rubber pad चाहिए जिस पर हमने strike करना होगा tuning fork, स्केल चाहिए मेयर करने के लिए। उसके बाद आते हैं ट्यूनिंग फोर्क्स। ट्यूनिंग फोर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, ये जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है दिस इज द स्टेम ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, और ये जो है ये प्रॉन्ग्स हैं। उसके अलावा ट्यूनिंग फोर्क्स की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, 512 इस पर मैंशन हुआ है, यहाँ पे 512 वाला ट्यूनिंग फोर्क लेंगे हम, या फिर हमने 256 वाला लेना है, यही दोनों फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोर्क्स यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में। Now is the first practical of voice test and watch test. अच्छा, hearing test के लिए सबसे पहले हम जो practical करेंगे वो होगा voice test या whisper test।
इसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन कंसेंट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कोमल है, मैं आपकी कानों का मुआयना करूँगी, ठीक है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले जो हम वॉइस टेस्ट करेंगे उसके लिए अभी सब्जेक्ट यहाँ बैठे हैं, अब हम इनको बोलेंगे कि आपने 20 फीट दूर जाके बैठना है, ठीक है। उसके बाद जो कान हम टेस्ट कर रहे हैं वो वाला नहीं, नॉन टेस्टिंग ईयर, हम कॉटन प्लग से क्लोज करवाएंगे उनका और उनको बोलेंगे कि आईज आपने बंद करनी है ताकि ये लिप रीडिंग ना कर सकें, ठीक है। अब आपने ये कॉटन लेनी है, 20 फीट दूर जाके आपने ये वाला कान बंद करना है, हम ये वाले कान को मुआयना करेंगे, ठीक है, और आपने अपनी आँखें बंद करनी है। अब सब्जेक्ट को हम 20 फीट दूर भेजेंगे और हम यहाँ 20 फीट दूर उनसे खड़े होके उनको कोई भी, और मतलब कोई भी आप बात बोलेंगे या कुछ भी पूछेंगे उनसे तो उनको आवाज़ आएगी तो वो रिपीट करेंगे। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है। आपका नाम क्या है? ठीक है। अब हमने जो 20 फीट पे देख लिया ऑर्डिनरी वॉइस से बोल गया कि उनको ठीक सुनाई दे रहा है, अब हम उनके नॉर्मल डिस्टेंस पे जाके सिर्फ विस्पर करके पूछेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हियरिंग ठीक है। आपका नाम क्या है? इमानत। बस ठीक है, हमने ऑर्डिनरी वॉइस से भी पूछ लिया, हमने विस्पर करके भी पूछ लिया, दोनों तरीके से नॉर्मल है, तो ये विस्पर टेस्ट है। अच्छा, अभी हमने जो वॉइस टेस्ट किया था, हमने इनका लेफ्ट ईयर टेस्ट किया था, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे और राइट ईयर भी टेस्ट करेंगे। अब दूसरा जो टेस्ट है हमारे पास वो है वॉच टेस्ट। वॉच टेस्ट में क्या करना है, आपने फिर इनको इंस्ट्रक्शन देनी है, आपने अपनी आँखें बंद कर लें और अपना दूसरा वाला नॉन टेस्टिंग ईयर ये वाला कान बंद करना है। अब हमने वॉच एक ऑर्डिनरी डिस्टेंस से नीचे लेके आएंगे, जहाँ पे इनको वॉच की आवाज़ आना शुरू होगी, ठीक है, वहाँ से हम उस वॉच स्टॉप कर देंगे और डिस्टेंस मेन कर देंगे। यहाँ पे इनको आवाज़ आ रही है, ठीक है, हम यहाँ से डिस्टेंस मेन करेंगे कान से वॉच करना, ये हमने नोट कर लिया, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर बनता है हमारे पास। इसी तरह हम इसको अब नेक्स्ट ईयर पे परफॉर्म करेंगे, उधर पे जहाँ पे उनको आवाज़ आना बंद होगी वहाँ पे हम स्केल रख के मेजर करेंगे और दोनों ईयर को कंपेयर कर लेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे इनको आवाज़ आ रही है। बस ये वॉच टेस्ट। नाउ इज द नेक्स्ट प्रैक्टिकल, जो उसका पार्ट है हियरिंग, जो ट्यूनिंग फोक टेस्ट है, रेनिस टेस्ट, अब वो आएगा। अच्छा, अब हम हियरिंग टेस्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में आएगा हमारे पास रेनिस टेस्ट। रेनिस टेस्ट में आपने क्या करना है, बोन कंडक्शन इज टू एयर कंडक्शन कंपेयर करनी होती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप ट्यूनिंग फोर्क सब्जेक्ट के मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखेंगे, उसके बाद कान के पास ला के रखेंगे, ठीक है। जब उनको आवाज़ आना बंद होगी तो फिर आप खुद से कंपेयर करेंगे अपने कान के पास ला के कि वाकई आवाज़ आना बंद हुई है कि नहीं। इंट्रोडक्शन कंसेंट लेने के बाद हम स्टार्ट करते हैं, आप अपना वाला कान बंद करें कॉटन से, ठीक है। उसके बाद हम ट्यूनिंग फोर्क इस तरह स्ट्राइक करेंगे रबर पैड पे, आपने ट्यूनिंग फोर्क स्टेम से पकड़ना है, ठीक है, प्रॉन्ग्स को टच नहीं होना चाहिए आपका। अब उनको आवाज आना बंद हुई, आप अपने कान से कंपेयर करेंगे, और आपने उनसे पूछना होगा कि आपको दोनों कानों में इक्वल आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपके ट्यूनिंग फोर्क यहाँ सर पे रखूँगी, ठीक है, स्ट्राइक करके आपने मुझे बताना है कि आपको दोनों कानों में इक्वल आवाज़ आ रही है कि नहीं, या किसी के कान में कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, ठीक है। दोनों कानों में इक्वल आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है शॉबैक्स टेस्ट। अच्छा, अब हमने परफॉर्म करना है शॉबैक्स टेस्ट। शॉबैक्स टेस्ट बेसिकली क्या होता है, आपने कंपेयर करना है बोन कंडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट विद द एग्जामिनर, उसके लिए एग्जामिनर की हियरिंग टेस्ट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे अगेन ट्यूनिंग फोर्क और स्टेम को हम उन सब्जेक्ट के मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखेंगे, जब उनको आवाज़ आना बंद होगी वो हाथ खड़ा करेंगे तो हम अपने मेस्टॉइड प्रोसेस पे रख के चेक करेंगे कि वाकई आवाज़ महसूस होना बंद हो गई है कि नहीं। उसके बाद हम सेम प्रोसेस वाइस वर्सा करेंगे, हम स्ट्राइक करके पहले ट्यूनिंग फोर्क अपने मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखेंगे, जब हमें महसूस होना बंद होगी वाइब्रेशंस तो हम सब्जेक्ट के मेस्टॉइड प्रोसेस पे रख के पूछेंगे आपको भी महसूस होना बंद हुई या आपको आ रही है,
ठीक है, अब मैं ये परफॉर्म करके दिखाती हूँ। आपने अपना वो वाला कान बंद कर लेना है, अब आपने अपना भी नॉन टेस्टिंग ईयर बंद करना है, ठीक है। स्ट्राइक करके मैं यहाँ पर रखूँगी, जब आपको आवाज़ आना महसूस होना बंद हो तो आपने अपने हार्ट बंद करना है, ठीक है। अब मैंने अपने मैं स्ट्राइक पर सिर्फ रख के देखा था, आवाज़ आना महसूस होना बंद हो गई थी। अब मैं दोबारा पहले अपने मैं स्ट्राइक पर सिर्फ रखूँगी, उसके बाद सब्जेक्ट के। तो उनको भी आवाज़ आना बंद हो गई थी। एंड नाउ द लास्ट टेस्ट, एयरबोर्न कनेक्शन टेस्ट। अच्छा, अब हमने करना है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में एक डिफरेंस है बाकी सारे ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में, उनमें हमने बाकी सारों में हमने नॉन टेस्टिंग ईयर क्लोज करवाया था। इस टेस्ट में हम ABC में हम टेस्टिंग ईयर क्लोज कराते हैं, ताकि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन हम ये करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने ये वाला कान अपना जो नुमाइना करने के बंद करना है इससे, ठीक है। हम दोबारा से ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक करेंगे और इनके मेस्टॉइड प्रोसेस पर रखेंगे। जितनी देर इनको आवाज़ आना बंद आवाज़ आ रही होगी, हमने वो टाइम नोट करना है, और वो हमारे पास टाइम दिया हुआ था, हमने उसे कंपेयर करने के नॉर्मल लेके नहीं। ठीक है, 15 सेकेंड्स बनते हैं ये, तो ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे कान में भी बायला